हेलो भाई लोग, वेलकम है जी आपका फिर से एक और ब्लॉग में। तो फाइनली अभी बज के 11 और मैं अपने घर से निकल गया अपना सामान वगैरह लेके मेले के लिए। तो मैंने सामान वगैरह अपना सारा ले लिया, ये इस बैग में पैक हो गया सारा। और अब जाना है, पहले स्कूटी का टैंक फुल कराना है, कपड़ा भी ना मारने की फुर्सत मिली। इतनी जल्दी जल्दी मैं निकला हूँ, मतलब घर वाले लास्ट टाइम पर मान गए, मतलब मैं जिद करी मैंने थोड़ी सी, मैं यार जा रहा हूँ क्या है, दो दिन की तो बात ही है, अब दो तीन दिन की। तो बोले चल ठीक है, ध्यान से रहियो अपने और अपना टाइम से आ जाइयो और लड़ाई झगड़ा मत ना करियो, बस ये बात समझाइए। और बाकी अपने फुल अपने मजा वगैरह काटेंगे और सारे दोस्त वगैरह हैं वेट कर रहे हैं, अब जाके देखेंगे क्या चल रहा है वहाँ पे। तो अब बिना टाइम वेस्ट करें मैं आप यहाँ से निकल लूँ और वहीं पे आज पूरे गढ़ के मेले को एक्सप्लोर करेंगे। कल बहुत मजा आया भाई, लेकिन आज का सिस्टम जो है बहुत खराब हो रखा है। उसमें क्या है कि निखिल की तबीयत खराब होगी और जब से मैं हूँ तो मेरी भी आंखों में दर्द हो रहा है, क्योंकि रेत जला गया बहुत ज्यादा और मेरे को थोड़ा कम भी दिख रहा है, मतलब दिख तो रहा है पर कम दिख रहा है। पर सिस्टम जो है थोड़ा खराब ही हो गया यार। सब तो फिलहाल गंगा जी नहाने चले गए, निखिल दवाई लेने गया, तो निखिल का वेट कर रहा हूँ। अब निखिल देखो कितनी देर में आएगा, अगर उसकी तबीयत ठीक रहेगी तो ठीक है, वरना यार मेरा तो मन सा ना लग रहा सही बताऊँ तो। कानों में और दर्द हो रहा है क्योंकि कल गंगा जी नहा लिया मैं और इतना शोर शराबा है, तो देखूंगा क्या सिस्टम रहेगा आगे क्या न रहने। अभी तक स्कूटी पर से मैंने बैग भी नहीं उतारा, इसका रीजन यही है कि कब प्लान चेंज हो जा वापस चलने का, क्योंकि फिलहाल तो यहाँ पे बिल्कुल मन ना लग रहा, क्योंकि साथ के सारे गए हुए हैं और कबड्डी वगैरह मतलब अधिकतर सब अपने घर चले गए, रात के टाइम इकट्ठे होंगे तो इतना धूप में मजा ही ना आ रहा। और साथ वाला चला ही गया तो मैं अकेला रह गया और अंदर ताऊ आऊ रह गए, और निखिल के वेट में हूँ, निखिल जब आएगा जब जाऊँगा। Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make it. आसमान की ऊंचाइयों में पहुंच गए भाई। अरे यहां से सारा मेला दिख रहा, कहां तक है ये? यहां तक सारा मेला है, पर यार ऐसी तैसी हो रही है यार, जब तेज चलेगा तब कैसे होगी? भैया को लग रहा है मुझे डर लगा है, लेकिन यार मैं कितनी बार झूल लिया इस वाले झूले में, तुम्हें लग रहा है मैं डर लगा है? अभी देखो खड़ा होऊंगा, बाहर लटकूंगा और फोन और हाथ में लूंगा अभी। अरे यू कोई ऊंचाई है, इतनी ऊंचाई था मैं छत पे से कूद जाऊं अपने। अरे भैया बहुत ऊंचा है यार, बहुत ऊंचा है भाई, मैं तो मजाक कर रहा, इस टाइम पहुंच गया मैं फुल टॉप पे। ये कैमरे में तो कम ही ऊंचा लग रहा है, बहुत ऊंचा लग रहा है भाई, बहुत ऊंचा है भाई, इस टाइम टॉप पे पहुंच गया। ये लो, ये सामने मौत का कुआं चल रहा है और ये इधर अपना सिस्टम चल रहा है और ये इसने अब रेस खोल दी, और अब मैं अपना फोन रखूंगा जिम में क्योंकि इसने रेस खोल दी यार बहुत तेज। तो भाई अपना घर वापस आ रहे हैं और रोड पे भीड़ होने की वजह से भाई मैंने एक खतरनाक रास्ता चुना है, मतलब गड्ढे भरा रास्ता, तो मैं गड्ढे भरे रास्तों से निकल के आ रहा हूँ अपने गांव के लिए और इसका रीजन बताऊंगा। और जो ये रास्ता है ना, इसका भी एक अपना अजीब अलग ही इतिहास है। अब तुम बोलोगे क्या मनीष भाई डराते रहो यार बार बार, तो ब्रो मैं लिटरली बता रहा हूँ डरा ना रहा, अभी मैं अपनी राइड इंजॉय कर लूँ। इस रास्ते का इतिहास भी मैं तुम्हें घर जाके बताऊंगा कि क्या है क्या ना है। साइड में ये देखो माहौल, ये पेड़ देखो इधर, जहाँ ये ईख खड़ी है, ये ईख में देखो यहाँ तालाब में खड़ी है एक तरह से ये समझो, क्योंकि नीचे की तरफ पानी भरा हुआ रहा है इसमें। और ये भी बताऊंगा कि मैं वापस क्यों आ गया मेले से, क्या रीजन रहा आने का, क्योंकि रुकने के सब गया मैं लेकिन फिर भी मैं वापस आ गया, तो सब घर चल के बताऊंगा, तसल्ली में बताऊंगा ना। देखो कोई दिख रहा रोड पे भाई? कोई दिखने का ही ना, दूर दूर तक अंधेरा और ये कच्ची सड़क है, कुछ भी ना है भाई दूर दूर तक। और इधर ये हाईवे है, ये हाईवे वाले अपने टोल वाले वो बना रखे हैं घर, और इधर ये पीछे खेत खलिहान जिसमें अल्लाह बगसपुर के खेत हैं और हमारे गांव के खेत हैं गामड़ी के। हाँ तो भाई आ तो गया मैं, पर मुझे ही पता मुझे कितना डर लग रहा आते हुए, तो उसके मैं बताऊँ हिस्ट्री क्या है। देखो उसका नाम है धूप घटा, जहाँ से मैं निकल गया हूँ उस रास्ते का नाम, जिधर भी जा मैं मतलब पिछले उसमें क्या आपसे छह से सात साल पहले क्या सिस्टम है कि कुछ भी किसी को भी शर्त लगानी ना, तो ये शर्त लगानी कि अगर तेरे अंदर हिम्मत है ना, अगर कहीं हिम्मत की बात आ करी
तो तू अकेला धूप घटा पे जाके दिखा, तू अकेला धूप घटा पे जाके दिखा। तो ये बात हो गई। खैर अब तो इतनी ना होती, लेकिन पहला हो गई। तो इसका रीजन क्या है ये बता दूं मैं तुम्हें। इसमें क्या है, एक बार ना शायद इधर की तरफ कब्रिस्तान वगैरह है, बच्चों वगैरह जो भी कुछ है, तो एक बार खुदाई वगैरह से हुई, मतलब खोदने शुरू करे, तो भाई एक के बाद एक बहुत सारे मतलब कंकाल निकले बॉडियों के अंदर के। मतलब इतने कंकाल आए कहाँ से, और आए दिन जो हाईवे पास है ना, वहां से बिल्कुल पास ही हाईवे, तो वहां पे जो भी कोई मर्डर वगैरह हो करा ना, ये जो भी कोई डेड बॉडी वगैरह मिले करी, तो वो एक इतना फेमस जोन है कि 50 से 100 मीटर के अंदर अंदर ही ना पुलिस को वहीं पर ढूंढे करी, और अधिकतर जो डेड बॉडी वगैरह वहीं पर मिले करी। तो ये सिस्टम है वहाँ का, तो इसलिए अब तो खैर इतना कोई ना डरता, लेकिन भाई डर तो डरा हुआ अकेला में आया। तो हाँ अब मैं बता दूं कि मेले से क्यों आया। देखो यार मेले से मैं क्यों आया, तो मेले से आने का रीजन ये था कि निखिल की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होगी, जो मेरे साथ का दोस्त था उसे मतलब लूज मोशन हो गए और बुखार हो गया, पेट में दर्द हो रहा है, कुछ भी खा रहा तो तुरंत उल्टी हो रही है। तो भाई उसके वो बोला कि यार मेरे चक्कर में तुम परेशान हो रहे हो और दवाई वगैरह, तो वो बोला कि मैं जा रहा हूँ ठीक है। और आकाश मेरे साथ आज गया ना, और निखिल वो अपने गांव चला गया, प्रदीप आज वो भी ना आया, तो और मैं बचा मैं। तो वो मैं क्या करता है अकेला वहाँ पे, सो गए तो तव वगैरह के हवाले कर गया अपना तंबू, अगर मन करेगा तो कल चले जाएंगे, अगर निखिल की तबीयत ठीक रहेगी तो कल चले जाएंगे, आकाश वगैरह बोलेंगे तो कल चले जाएंगे दोबारा। तो रात को अकेला सो के मैं करता ही गया ठीक है। तो इस वजह से मैं घर आ गया अपना, और वहाँ पे सोता ही रात को भी और घर पे भी सोऊंगा ही, मेरे यहाँ से पास है दूर ना है। तो और आंखों वगैरह में भी दर्द हो रहा क्योंकि धूल बहुत ज्यादा चली गई अंदर। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पर एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग।